हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाइव स्टडी पर। आप सभी के लिए आज के इस क्लास में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो आप सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, साथ साथ जो बच्चे दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, और जो बच्चे UPPCL TG2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। बट क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को, आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं व बहुत बहुत बधाई। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास का। बट इससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ई बुक लेना चाहते हैं, जो हमने चैप्टर वाइज ई बुक आपके लिए दी थी, उसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और उसके बाद यहाँ PDF पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद जैसे ही आप PDF पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे और यहाँ से आप इस ई बुक को ले सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस ई बुक पर अभी आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है और ये डिस्काउंट आज तक के लिए मान्य है, यानी कि आज अगर आप 11 बजे तक इस ई बुक को डाउनलोड करते हैं तब आपको इस पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप लेंगे तो ये डिस्काउंट फिर आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर आप टाइमिंग देख सकते हैं, अभी इसमें जो टाइमिंग शेष बचा है वो 5 घंटे का और 34 मिनट का समय शेष बचा हुआ है, ठीक है। तो 5 घंटे 34 मिनट का समय शेष बचा हुआ है, क्योंकि इस वीडियो को हम अभी 5:26 पर रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके अनुसार, ठीक है। तो ये ऑफर आपका 11 बजे तक मान्य रहेगा और इसके बाद में ये आपको फिर नहीं मिलेगा। इस ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है यूज कोड CCC BY5STUDY, एक कोड आपको यूज करना होगा। जैसे ही आप यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आप डिस्काउंट कोड में CCC BY5STUDY को टाइप कर देंगे, उसके बाद में अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप 11 बजे तक अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसके बाद में अगर आप लेंगे तो फिर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी जो भी क्लास देख रहे हैं आप लोग एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है समग्र डॉक्यूमेंट यानी कि संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए निम्न में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है। अगर आप पूरा डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तब आप कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, आपसे ये पूछा है, कौन सा यहाँ पर जवाब होगा राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग आंसर करें, सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा। आप संपूर्ण डॉक्यूमेंट को अगर एक ही बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं तब आप कौन सी की इस्तेमाल करते हैं, कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से। चलिए भाई, सभी साथी शेयर कर दो एक बार क्लास को और लाइक कर दिया करो। सभी साथी जो भी क्लास में हैं सभी लोग लाइक कर दिया करो। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा कंट्रोल के साथ में ए। जब आप कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है, ऑल सेलेक्ट हो जाता है, यानी कि पूरा डॉक्यूमेंट आपका एक ही बार में क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कंट्रोल ए होता है ऑल सेलेक्ट की शॉर्टकट की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा है MS Excel क्या है। MS Excel क्या है, विंडो पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है, या फिर विंडो पर आधारित एक स्प्रेडशीट पैकेज है, या DOS पर आधारित एक स्प्रेडशीट पैकेज है, या DOS पर आधारित एक प्रोसेसर पैकेज है। MS Excel क्या है, ठीक है, आपको बताना है MS Excel क्या है, बताइए कौन सा यहां पे जवाब करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से आप सभी जवाब भेजो, अपना आंसर भेजो क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ध्यान रखना है यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विंडोज पर आधारित एक स्प्रेडशीट पैकेज है या स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है। तो MS Excel का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है MS Excel का पूरा नाम। और MS Excel जो होता है इसको क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं, ठीक है, स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। तो ये विंडोज पर आधारित एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है MS Excel। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर डैश कमांड का प्रयोग करते हैं। अगर आप एक नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो आप फाइल मेनू पर जाएंगे और फाइल मेनू पर जाने के बाद में कौन सी कमांड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फाइल मेनू पर आप जाएंगे और फाइल मेनू पर जाने के बाद में किस कमांड पर आप क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, क्लोज पर करेंगे, न्यू या फिर सेव, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से यहाँ पे करेक्ट होगा। चलो भाई, यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
तब आपको न्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको फाइल मेनू पर आना पड़ेगा, और फाइल मेनू पर जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी कमांड्स ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या करना होगा, न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, एक नई फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा है प्रयोक्ता यानी कि यूजर। प्रयोक्ता क्या होता है, यूजर होता है। यूजर दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं, यूजर मीन्स चलाने वाला, जो कंप्यूटर को यूज करता है, और वो जब दस्तावेज को कोई नाम देता है, तो जब दस्तावेज को कोई नाम देता है तो उसे क्या कहते हैं, यही आपसे पूछा गया है। उसे फाइल नेम के नाम से जानते हैं, या प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, या रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं, या फिर उसको डाटा के नाम से जानते हैं, तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बताइए। जब आप कंप्यूटर पर कोई कार्य करते हैं, और जब आप कार्य करते हैं उसके बाद में जो भी आपने कार्य किया उसको सेव कर देते हैं किसी एक नाम से, और जब आप उसको सेव कर देते हैं तो उसी को हम बोलेंगे किस नाम से, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, उसको हम फाइल नेम के नाम से जानेंगे, ठीक है, उसको फाइल नेम के नाम से जानेंगे, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर है, और आपसे क्या पूछा है, रोम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। जो भी डाटा आपके रोम में होता है वो बिजली जाते ही डाटा आपका समाप्त हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है तब आपका रोम में जो डाटा होता है वो समाप्त हो जाता है। क्या ये सही है या फिर गलत है, ट्रू एंड फॉल्स में आपको जवाब करना है भाई, सही जवाब भेजना है कमेंट बॉक्स में, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी बच्चे आ चुके हैं आप सभी क्लास को एक बार शेयर करो जल्दी से, आप सभी साथी क्लास को शेयर करो और लाइक सभी लोग कर दिया करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा असत, यानी कि यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, रीड ओनली मेमोरी, क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी होता है, यानी कि केवल आप इस मेमोरी में जो डाटा रखा होता है उसको केवल क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, केवल इस डाटा को आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है रोम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर जो भी डाटा होता है वो कैसा होता है, स्थाई होता है, ठीक है, यहाँ पर जो डाटा होता है वो आपका स्थाई होता है, यानी कि बिजली जाते ही अगर आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, तो इसमें रखा डाटा आपका खराब नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये हो जाएगा फॉल्स, जो भी डाटा आपका रैम के अंदर होता है, जो डाटा आपका रैम के अंदर होता है, इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इस मेमोरी में जो डेटा रखा होता है जैसे ही आपका बिजली जाता है या फिर आपने कंप्यूटर को बंद कर दिया, कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, उस समय क्या होता है, रैम में रखा डेटा आपका खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है। बट रोम के अंदर जो भी डाटा होता है वो आपका स्थायी होता है, परमानेंट होता है, वो हमेशा वहाँ पर बना रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा है दस्तावेज प्रिंट करने के लिए कंट्रोल वी का प्रयोग करते हैं। दस्तावेज मीन्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए आप कंट्रोल वी का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल वी का इस्तेमाल करेंगे, नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में पी होती है ना, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तब उसके लिए हम एक शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल पी, ना कि कंट्रोल बी। और कंट्रोल बी का काम क्या होता है, कंट्रोल बी का मतलब होता है पेस्ट करना। अगर हमने किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी टेक्स्ट को अगर हमने कॉपी किया है, ठीक है, और उस टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद में, या किसी भी फाइल को भी आपने अगर कॉपी किया है और उसको आप पेस्ट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल वी प्रेस करते हैं। इससे क्या होता है, जो भी मैटर आपने कॉपी किया होता है या फिर कट किया होता है उसको हम पेस्ट कर सकते हैं एक दूसरे स्थान पर, ठीक है। बट प्रिंट करने का जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल के साथ में पी दबाते हैं तब प्रिंट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको आंसर भेजना है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। दस्तावेज डिलीट करने के लिए कंट्रोल सी का प्रयोग करते हैं। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो क्या कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। तो यहां पर यह भी हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि भाई कंट्रोल सी से तो हम कॉपी करते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कंट्रोल सी के साथ में आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल के साथ में एक्स से क्या करते हैं, कट करते हैं डॉक्यूमेंट को,
और कंट्रोल के साथ में अगर आप वी दबाते हैं तो इससे क्या होता है, डॉक्यूमेंट पेस्ट हो जाता है। जो भी आपने मैटर कट किया या कॉपी किया उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे आप फॉल्स करेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा गया है दस्तावेज को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की, तो आपको बता दें अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप डिलीट बटन का यूज कर सकते हैं जो आपके कीबोर्ड में होता है, एक डेल बटन होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका होता है, अगर आपने किसी फाइल को सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद में कंट्रोल के साथ में आपको डी प्रेस करना होता है, और कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करने के बाद आपसे वहां पर एक बार आपसे परमिशन मांगा यस या नो का, और आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी। यानी कि कंट्रोल डी दबा करके भी आप किसी फाइल को डिलीट कर सकते हैं और डिलीट बटन दबा करके भी किसी फाइल को आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, दस्तावेज कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का प्रयोग करते हैं, सेम क्वेश्चन। जी बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया, चलिए कोई बात नहीं, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हो गए तो यहाँ पर इसका भी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि जो www है इसका मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अब आप लोग आंसर करेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए क्या ये सही है आपका, वर्ल्ड वाइड और वेब होता है, ठीक है। www का अर्थ क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, क्या ये सही है, तो बिल्कुल करेक्ट है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड और वेब। अगला प्रश्न पूछा है BER का पूरा नाम ब्लू रे डिस्क होता है, जिसको हम BER के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए ट्रू एंड फॉल्स में ही पूछा है आपसे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ध्यान रखना है यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, BR मतलब ब्लू रे, ठीक है, यहाँ पर ब्लू रे डिस्क हो जाएगा, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है, ऐसा यहाँ पर दिया है, ट्रू एंड फॉल्स में आपको बताना है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और आपसे अगर पूछे कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आप क्या आंसर करेंगे, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम, ठीक है, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, कहां बनाया गया, तो ये बनाया गया पुणे में, ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000 है, इसका निर्माण कहां किया गया, तो पुणे में किया गया, ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न पूछा है प्रोग्राम का अर्थ सॉफ्टवेयर होता है, सत्य या फिर असत्य, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स में जवाब करना है, प्रोग्राम का अर्थ सॉफ्टवेयर होता है, सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो यहां पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रोग्राम का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, बिल्कुल करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एक आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ट्रू एंड फॉल्स में ही आपको जवाब करना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें एक बहुत ही सिंपल पहचान हमने आपको बताई थी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिस पर यूजर काम करता हो, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पर यूजर काम करता है या फिर यूजर के कार्य के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया गया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के काम के लिए बनाया गया हो, यानी कि सिस्टम के लिए वो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये यूजर के लिए है, यहां पर हम लोग कार्य करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर ऑप्शन नंबर पहला आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगर हम विंडो की बात करें तो विंडो क्या है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम के लिए काम आता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और यहां पर पूछा है प्रत्येक वेब एड्रेस HTTP से प्रारंभ होता है, प्रत्येक वेब एड्रेस HTTP से प्रारंभ होता है, तो बिल्कुल सही यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप
कोई भी वेब एड्रेस होता है, ठीक है, कोई भी वेब एड्रेस होता है तो हमेशा क्या होता है, HTTP से प्रारंभ होता है। इसका मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और कई बार आपसे पूछेंगे कि वेब ब्राउजर कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखना है यहाँ पर हो जाएगा आपका HTTP, ठीक है। HTTP प्रोटोकॉल है जो कि वेब ब्राउजिंग में इस्तेमाल होता है, तो प्रत्येक वेब एड्रेस जो होता है वो HTTP का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा HTTP होता है और इसके बाद में S लगा होता है, ठीक है, तो HTTP में जो S लगा होता है इसका मतलब क्या होता है, सिक्योर होता है, ध्यान रखना है, ठीक है, इसका मतलब होता है सिक्योर। अगला प्रश्न पूछा है, कंप्यूटर में गणना करने की पहली इकाई जीरो है, कंप्यूटर में गणना करने की पहली इकाई क्या है, जीरो है, ट्रू है या फिर फाल्स है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, मशीनी भाषा जीरो और वन के रूप में होती है, यह एक निम्न स्तरीय भाषा है, यानी कि यह एक लो लेवल लैंग्वेज है। मशीनी भाषा जीरो और वन के रूप में होती है, जीरो और वन के फॉर्मेट में होती है, यह एक निम्न स्तरीय भाषा है, यह एक लो लेवल लैंग्वेज है, ट्रू है कि फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर आपकी कंप्यूटर जो है वो किस प्रकार की भाषा को समझता है, कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है, ध्यान रखना है, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, डाटा को प्रोसेस करने पर इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, जब आप डाटा को प्रोसेस करते हैं उसके बाद में जो आपको रिजल्ट प्राप्त होता है वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर भी आपको ट्रू एंड फॉल्स में ही जवाब करना है। तो बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डाटा को प्रोसेस करने पर, जब आप डाटा को प्रोसेस करते हैं, ठीक है, डाटा को आपने प्रोसेस किया, ठीक है, उसके बाद में जो रिजल्ट आपको मिलता है वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, उसे आप कहते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद में आपको क्या क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आउटपुट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो आपका आउटपुट होता है वो इन्फॉर्मेशन होता है। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क या फिर डाटा बस डिस्क। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यहां पर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला प्रश्न पूछा है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश कुंजी की दबाएं, अगर आप टेक्स्ट की पंक्ति के यानी कि जो टेक्स्ट है उस लाइन के पहले आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी प्रेस करेंगे, कौन सी शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए, जो लाइन है आपकी, ठीक है, उस लाइन के अगर आप प्रारंभ में यहां पर जाना चाहते हैं तो उस प्रारंभ में जाने के लिए आपको कौन से शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी होती है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला होम, ठीक है, टेक्स्ट की लाइन में प्रारंभ में जाने के लिए आपको होम बटन प्रेस करना होता है, इससे क्या होता है टेक्स्ट की लाइन पर आप सबसे पहले पहुंच जाते हैं, यानी कि जो टेक्स्ट की लाइन होती है और आपका कर्सर अगर यहां पर है और अगर आप लाइन में शुरुआत में जाना चाहते हैं तब आपको होम बटन प्रेस करना पड़ेगा और इससे आपका कर्सर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है, अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है प्रिंटर, मॉनिटर, माउस या फिर ए और बी दोनों, इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना यहाँ पर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, इसका मतलब प्रिंटर आपका और मॉनिटर ये दोनों क्या है आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर और मॉनिटर दोनों क्या है आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद में जो माउस है आपका, तो माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जिसको आप पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्रिंटर और मॉनिटर, इसका मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है आपका, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन पूछा है, डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है, अब माइक्रोफोन और प्रिंटर, स्कैनर और मॉनिटर, डिजिटल कैमरा और स्पीकर्स या फिर कीबोर्ड एंड माउस, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो यहां पर पूछा है डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है, इसका मतलब कीबोर्ड और माउस, ठीक है, कीबोर्ड और माउस क्या है सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, इनपुट आउटपुट किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? इनपुट को आउटपुट में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, ये आपको आंसर करना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित किया जाता है सीपीयू के द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा है एएलयू का अर्थ है, बताइए एएलयू का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है एएलयू का फुल फॉर्म। अगर आप सीपीयू को देखेंगे तो सीपीयू का मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो सीयू में क्या होता है, एक तो आपका सीयू होता है जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, एक आपका एमयू होता है जिसे मेमोरी यूनिट कहते हैं, और एक आपका एएलयू होता है जिसको हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक यानी कि ये गणितीय गणनाएं करता है और साथ साथ लॉजिक भी करता है, यानी कि ये आपकी तार्किक गणनाएं भी करता है, ठीक है। तो अर्थमेटिक के साथ साथ में ये लॉजिकल गणनाएं भी करता है, तो ऑप्शन यहां पे पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा, एबेकस का आविष्कार कहां किया गया, भारत, चीन, फ्रांस या फिर यूनान। एबेकस का आविष्कार कहां किया गया, तो ध्यान रखना है यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन में किया गया था। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, कौन सा हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। यहां पर ऑप्शन में क्या दिया है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर और एक्सेल, इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है आपको ये बताना है। तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एक्सेल हार्डवेयर नहीं है। बाकी अगर बात करें माउस, मॉनिटर, माउस प्रिंटर और मॉनिटर, ये सभी क्या है, ये सभी आपके हार्डवेयर हैं, ठीक है, ये सभी आपके हार्डवेयर हैं। बट अगर एक्सेल की बात करें तो क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं। और अगर माउस, प्रिंटर और मॉनिटर की बात करें, यानी कि हार्डवेयर की बात करें, तो हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं, आप टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर जो हो जाएगा आपका एक्सेल क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, विषम का चयन करें, यानी कि इसमें से विषम कौन सा है, यूनिक्स, एमएस डॉस, विंडोज और एक्सेस। अब इन चार में से विषम कौन सा है, यानी कि अलग कौन सा है, वो आपको बताना है, यूनिक्स, एमएस डॉस, विंडोज या फिर एक्सेस। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक्सेस क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और अगर यूनिक्स, एमएस डॉस और विंडोज की बात करें तो ये क्या है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं, ठीक है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। बट एक्सेस आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ध्यान रखना है एमएस एक्सेस एक प्रकार का एमएस ऑफिस का एक प्रोग्राम है, जिसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। और एमएस डॉस, यूनिक्स और विंडोज ये सब क्या है, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, किसी फाइल या फोल्डर का नाम देने के लिए डैश कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम देना चाहते हैं या फिर उसको रिनेम करना चाहते हैं, तो कौन सी शॉर्टकट की फिर इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना है आपको यहां पर F2 हो जाएगा, F2 का इस्तेमाल करते हैं। जब आप F2 प्रेस करेंगे किसी भी फाइल या फोल्डर पर, पहले एक बार आपको माउस से क्लिक करना है, यानी कि उसको सेलेक्ट करना है, उसको एक्टिव करना है, उसके बाद में F2 प्रेस करेंगे तो क्या करेंगे, वहां पर आप उसको रिनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो रिनेम करने के लिए या फिर किसी फाइल या फोल्डर का नाम देने के लिए आपको F2 का यूज करना होता है। अगला प्रश्न पूछा है, कंट्रोल बी का उपयोग किया जाता है बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, नाम परिवर्तित करने के लिए या फिर कोई नहीं। कंट्रोल बी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, बोल्ड करने के लिए। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा उसको हाईलाइट दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कंट्रोल, उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है, वेबसाइट डैश संग्रह है, वेबसाइट किसका संग्रह है, HTML डॉक्यूमेंट का संग्रह है, ग्राफिकल फाइल का संग्रह है, इसमें से कोई नहीं या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जो वेबसाइट होती है वो किसका संग्रह होती है, यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा HTML, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट का संग्रह होती है आपकी वेबसाइट। अगला क्वेश्चन पूछा है, गूगल क्रोम क्या है, एक सर्च इंजन है, एक ब्राउजर है, एक वेबसाइट है या फिर इसमें से कोई नहीं। तो गूगल क्रोम क्या है, आप सभी जानते होंगे गूगल क्रोम, आप सभी के मोबाइल फोन में भी होगा। तो गूगल क्रोम क्या है,
तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल क्रोम एक प्रकार का वेब ब्राउजर प्रोग्राम है जिससे क्या कर सकते हैं आप किसी भी वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वेब पेज को देखना चाहते हैं, किसी वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कोई ना कोई ब्राउजर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे ओपेरा मिनी का इस्तेमाल करें, चाहे आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल करें, चाहे आप मोजिला फायरफॉक्स का इस्तेमाल करें, किसी भी ब्राउजर का आप इस्तेमाल करेंगे तभी आप किसी भी वेबसाइट को विजिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गूगल क्रोम एक प्रकार का ब्राउजर है। और अगर आपसे केवल गूगल की बात करें कि गूगल क्या है, तो गूगल एक प्रकार का क्या है, सर्च इंजन है। गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है जो आपको सर्च करके रिजल्ट दिखाता है, इसको आप एक वेबसाइट भी बोल सकते हैं। गूगल एक प्रकार का, google.com एक वेबसाइट है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसका यूज हम किस लिए करते हैं, अगर हम किसी भी कंटेंट को सर्च करना चाहते हैं जो कि ऑनलाइन है और हमें उसका एड्रेस नहीं पता, जैसे आपको हमारी वेबसाइट का कंप्लीट एड्रेस नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, आप उससे मिलता जुलता कोई भी नाम डालेंगे और गूगल पर उसको सर्च करेंगे। तो गूगल का काम है कि आपको रिजल्ट दिखाना, तो उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड आप सर्च करने के लिए डालेंगे सर्च बॉक्स में और सर्च करेंगे, तो उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट दिखेगा गूगल को वो आपको ला करके दिखा देगा, और उसमें से फिर आप जो भी आपको ठीक लगेगा उस पर आप क्लिक करेंगे और उस वेबसाइट पर विजिट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है सर्च इंजन, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये 30 क्वेश्चन थे जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो उसको लाइक जरूर करना, शेयर करना, ठीक है, अपने दोस्तों में, और जो भी सभी चैनल पर फर्स्ट टाइम हो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को समय पर मिलता रहे। ठीक है, जो बच्चे ई बुक को लेना चाहते हैं वो इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं, अभी इसके लिए आपके पास समय है, अभी अगर आप इस ई बुक को लेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।